डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर की पुस्तक बूहे बारियां का पहला लेख है कवि ते कविता। किसी ने चिंता प्रगटाते हुए एक फिलोसफर नूं दसिया, साडे देश की धरती बंजर हो गई है। उत्तर मिलिया, घबराउण की लोड़ नहीं, मेहनत नाल फिर उपजाऊ हो जाएगी। होर चिंता प्रगट करदियां उस फिर कहा, साडे देश दियां इस्त्रियां बांझ हो गईयां। फिलोसफर ने कहा, उन्हां दा तुसीं सत्कार नहीं कीता, इसलिए उन्हां दी कुख रुस गई है। उन्हां नाल सत्कार नाल पेश आओ, तुहाडे वेड़ियां 'च बालां दा मेला लग जाएगा। चिंता वधदी गई ते उन्हें बड़े दर्द नाल कहा, साडे देश विच कविता पैदा होणों रुक गई है। अगों उत्तर मिलिया, हुण तुहाडा देश जरूर गर्क जाएगा। हुण तुहाडियां इस्त्रियां दी गोद कदे हरी नहीं होएगी। हुण तुहाडे खेतां 'च कदे हरियावल नहीं दिसेगी। दूजे विश्व युद्ध दौरान जर्मना ने जदों पैरिस उत्ते कब्जा कर लिया तो तीजे दिन उन्होंने पैरिस नूं मलिया मेट करन दा फैसला किया। तां क्यामत दी सवेर तो पहली रात पैरिस का एक कवि जर्मन जरनैल नूं मिलिया ते पैरिस बारे अपनी लिखी एक कविता सुनाउण उपरंत बोलिया, तुसी पैरिस नूं तबाह ना करो। ये कविता वर्गा एक सोहना शहर है। ये सिप दा मोती है। तुसी जदों भी कदी पैरिस आओगे तो तुहानूं इस गल दा माण होएगा कि पैरिस नूं बचाउण वाले तुसी हो। कहंदे हन उस कवि ने अपनी कविता नाल पैरिस बचा लिया सी। सदियां पहलां यूनान उत्ते जदों तुरकां ने हमला करके बहुत सारे यूनानियां नूं कैदी बना लिया तां यूनानियां दा मखौल उडाण लई जदों बंदी बनाए कैदियां नूं तुरकां ने कुछ सुणाउण लई कहा तां उन्हां विचले एक कवि दी कविता सुण के एक तुर्क ने कहा, तुसीं इन्नी चंगी कविता लिखदे हो, फिर तुसीं हार किवें गए। उत्तर मिलिया, साडी कविता उचाइयां वल वधण दी थां ढलाणा वाल तिलकण लग पई है, जिस कारण असी हार गए। एक बादशाह के प्रधानमंत्री ने राजकवी की मौत उपरंत साड़े कारण राजकवी की जद्दी पदवी खत्म कर दी। राजकवी के पुत्र ने बादशाह अगे बेनती की कि उन्होंने तो कविता कहण तो सिवाय होर कोई काम नहीं आता। जे उन्होंने राजकवि नहीं बनाया जा सकता तो उन्होंने किसी छोटे मोटे काम पर ला दिता जाए, मेहरबानी होएगी। प्रधानमंत्री ने उहदी हेठी करन वास्ते कहा, साडे कोल अस्तबल विच घोड़ियां दी लिद चुकण दा काम है, करेगा। राजकवि दे पुत्र ने जदों वो काम भी स्वीकार कर लिया तो बादशाह ने प्रधानमंत्री नूं कहा, लोग की कहणगे, इन्नी चंगी कविता लिखण वाले नूं असीं लिद चुकण दे काम लाया होया। कवि ने झट जवाब दिता, नहीं महाराज, सगों लोग ये कहणगे कि इस बादशाह दे घोड़ियां दी लिद चुकण वाला नौकर भी इन्नी चंगी कविता लिख लैंदा है। उहदे जवाब तो खुश होके प्रधानमंत्री ने उहदी खत्म कीती हुई पदवी बहाल कर दिती। कुछ सूरतां कविता वर्गियां हुंदियां हन, कई दिन ही कविता वर्गे हुंदे हन। जवानी कविता वाली उम्र हुंदी है। एक पखंडी ने कहा, मैनूं विशा दिओ, मैं कविता लिखां। उत्तर मिलिया, कविता वास्ते विशा नहीं चाहिदा, दिल चाहिदा हुंदा है। अजोके मनुख दा सब तो वड्डा संकट ये है कि साडी कविता दे स्रोत सुक गए हन। कविता नालों साडा नाता टुट गया है, जिस कारण साडा अनुभव भी बांझ ते बंजर हो गया है। लम्मियां बहसां राहीं असीं अपनी अगिआनता दा आदान प्रदान करन लग पए हां, जदों कि साडी सब तो वड्डी लोड़ यह है कि कोई साडे दिल की गल सुने, कोई अपने दिल की गल सुनावे, कोई सानू कविता वांग मिले, कोई कविता वांग साडे दिल च आ वसे। अजोके युग विच महान कविता पैदा ना होण दा कारण यह है कि साडा अनुभव पेतला हो गया है। असी चौड़ियां सड़कां जरूर बना लईआं, पर उन्हां उत्ते टुरन वाले देव पुरुष असी कित्थों लिआवांगे। कवि वो व्यक्ति हुंदा है जिहदे पैर धरती उत्ते होण, जिहदा सिर तारिआं 'च होवे, जिहड़ा चंद्रमा वांग इकल्ला विचर सके, सूरज वांग मग सके, समुंदर वांग धड़क सके, जंगल दी अग वांग अपना राह आप बना सके। कवि जिस चीज़ की कल्पना करते हैं, फिलोसफर ते विज्ञानी उन्होंने सच कर विखाते हैं। प्यार करना सीखना है तो किसी कवि तो सीखो, महसूस करन दी जांच सीखनी है तो किसी कवि नूं पढ़ो, महानता ते उत्तमता दे दर्शन करने हैं तो किसी महान कवि की कल्पना नाल उड़ के वेखो। हर कोई कवि बनना चाहता है पर क्योंकि बन नहीं सकता, सो कोई फिलासफर बन जाता है, कोई विज्ञानी। सरबत दे भले का संदेश किसी कवि की कविता विच ही संभव होता है। महान कवि बाणी हो सकता है जिहड़ा महान दार्शनिक होवे। असी सारे प्रसन्न ते दुखदाई घड़ियां इस संसार नूं किसी ना किसी कवि दीआं नज़रां नाल ही वेखदे हां। साडीआं असल प्राप्तियां दी पद्धर इस गल उत्ते निर्भर करदी है कि असी कविता नूं किन्ना कुछ माणिआ। जिहड़ा बंदा तुहानूं चंगा लगदा है उहनूं पुछ के देखना कि उहनूं किस कवि ने प्रभावित कीता है। जदों लोकां दा कविता नालों नाता टुट जाएगा तो होर भावें कुछ बन जाण, इंसान नहीं बन सकणगे। सिकंदर दे सवाल दा पोरस ने जड़ा जवाब दिता सी, वो एक वाक नहीं सी, एक वाक वाली कविता सी। जे गुरु गोबिंद सिंह दे एक हाथ विच तलवार सी तो दूजे हाथ विच कवि वाली कलम सी। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं औरंगजेब ने जड़ा जफरनामा लिखिया सी, उस तलवार नूं कलम वांग वरतिया गया सी। सिख गुरुआं दे हरमन प्यारा होण दा एक कारण यह है कि वह सारे निपुण ते महान कवि भी सन। एक महान कवि बनने लिए अंतां दी वफा, भरपूर मेहनत ते दृष्टि दी विशालता दी लोड़ हुंदी है। इन्हां दी घाट कारण ही अजोका मनुख दिनों दिन सुंगड़ रहा है। जिहड़ा सुख कविता विचों मिलता है वह पैसे नाल खरीदियां जाण वालियां वस्तां चों लभ्या जा रहा है। कविता नालों टुटण कारण ही अजोका मनुख भटक रहा है। साडे गीत गुआच गए हैं। कवि मनुख की आत्मा नूं चित्रण वाले कलाकार होंदे हैं। जे अदालतां विच कवि बिठा दिते जाण तां लोक झगड़े करनों हट जाणगे। कहंदे हन कविता नाल शुरू कीता दिन बड़े आनंद विच बीतदा है। चंगा इंसान बने बिना चंगा कवि बनना संभव नहीं हुंदा। कविता पढ़ना किसी दी मजबूरी नहीं हुंदी पर इहदा जिस दा ये शौक होवे वो रूह तक रज जाता है। कविता साडे सारे तनाव दूर कर दिंदी है। कहंदे ने सब तो चंगी नींदर कविता पढ़दियां हुंदी है। कवियां वर्गा इंसाफ पसंद ते दयावान व्यक्ति दुनिया च मिलना संभव नहीं हुंदा। एक सच्चे कवि दे विचार उच्चे हुंदे हन, उहदा ज्ञान डूंघा हुंदा है, उहदा जीवन सादा ते निर्मल हुंदा है, उहदा शरीर सोहना हुंदा है। महान कवि रातों रात पैदा नहीं हुंदे, ये तो उम्रां दी नेक कमाई दा सिट्टा हुंदे हैं। कवि चुप चुपीते व्यक्ति हुंदे हैं पर उन्हां दे बोलां दी गूंज सदियां तक आउंदी रहिंदी है, सुणदी रहिंदी है। कहंदे हन जिहड़ा एकांत विच नहीं विचर सकता होर भावें कुछ बन जाए वो कवि नहीं बन सकता। हर कवि दे मन उत्ते उहदी मां दे चरित्र ते शख्सियत दी छाप डूंघी ते गूढ़ी हुंदी है। किसी कवि की पत्नी बनन की गलती ना करना। कवियों की प्रेरणा पत्नियां नहीं, प्रेमिकावां हुंदियां हन। यही कारण है कि कवि चंगे प्रेमी पर असफल पति हुंदे हन। कवियों दीआं कवितावां विचों उन्हां दे समकाली युग, समाज ते सभ्याचार नूं देखिया जा सकता है। हर नवीं पीढ़ी दे अनुभव नूं पेश करन लई नवें कवि की लोड़ हुंदी है। कवि अपनियां कवितावां विच जबान दे खजाने भर दिंदा है। बहुते कवि मैं तो अगे नहीं चलदे। अजिही कवियां दी रचना विच कविता घट ते शोर वधेरे हुंदा है। जिवें अपने दोस्तां दी चोण असीं आप करदे हां उवें कवि साडी अपनी पसंद हुंदे हन। कविता दा उद्देश मनुखी आत्मा नूं बचाउणा ही नहीं हुंदा, मनुखी आत्मा दे महत्व नूं उजागर करना भी हुंदा है। महान कविता नूं समझना भी महान बनन दा अमल हुंदा है। महान कविता वो हुंदी है जो मनुख नूं होर चंगेरा मनुख बनन लई प्रेरे। ਚੰਗਾ ਕਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਗੰਢੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵਸਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵਾ ਦੇਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਰੂਹਾਨੀ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਪਾਗਲ ਨੂੰ कवि कहते हैं। जिन्हों ने मुहब्बत की है वो जानते हैं कि मुहब्बत का दर्द की होंगे, तो इस दर्द का सरूर की होंगे। मुहब्बत वाली हालत विच हर व्यक्ति एक कवि वांग विचरता है। जदों शिद्दत का जज्बा तो सिखर पर पहुँची कल्पना किकली कलीर पाती है, तो ही महान कविता का जन्म होंगे। बहुते लोग बहुत कुछ जानते तो होंगे हैं, पर वो महसूस नहीं करते। कविता सानू महसूस करना सिखाती है। कवि नू कदी उदास ना समझो। मौका लगन उत्ते उन्हें अपनी सारी मायूसी, वेदना, दर्द, दुख ते उदासी कविता दी भेंट कर देनी है, ते आप आज़ाद पंछी वांग विचरना है। कहंदे हन कि हर दुख बर्दाश्त करन योग हुंदा है जे उन्हूं कविता च पेश कीता जा सके। अपने मनपसंद कवि नूं मिलण दा यतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि कविता सिरजण दे छिना विच ही कवि हुंदा है। उस तों पहलां ते पिछों वो अति सधारण व्यक्ति वांग विचरदा है। रसूल हमजा तो अनुसार कवियां नूं आलोचकां तो नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कवियां दीयां यादगारां तां बणीआं हन, पर किसी आलोचक दी यादगार अजे तक नहीं बणी। ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਭੌਂਕਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਕਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਚ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 30ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कोई कवि अपनी भाषा तो इलावा किसी दूजी भाषा च हरमन प्यारा नहीं होया। इसे करके कहते हैं कि जो सुख ते रस अपनी बोली दी कविता चों मिलता है, वो किसी होर भाषा दी कविता विचों नहीं मिलता। एक चंगा कवि उत्साह दे बीज बीजता है। वो लोकां दीयां नज़रां च रोशन भविख दे सुपने लटकाउंदा है। महान कवि कई बार किसी महान जज्बे की पकड़ च अजि गल कह जाते हैं जिस दी उन्हां नूं आप भी समझ नहीं हुंदी, पर जिहड़ा इतिहास बदल दिंदी है। कवि की कल्पना यथार्थ दे मुहान मोड़ दिंदी है। जदों कवि गुलाम कौम विच आज़ादी का सुपना जगा देण तां उस संकल्प नूं कुचलण लई फौजां भेजणियां व्यर्थ हुंदियां। कोई संघर्ष कवियां दे सहयोग तो बिना सफल नहीं हो सकता। किसी अंदोलन च जदों कवि गोलियां का शिकार बनाए जान लग पैण तां समझो संघर्ष कुराहे पै गया। आज़ादी की जंग शरीर ते दिमाग नाल ही नहीं, दिल नाल भी लड़ी जाती है। असी प्यार किहो जिहा करांगे, इस गल उत्ते निर्भर करता है कि साडे कवियां ने किहो जिहा प्यार गाया है। पेंशनां मंगण वाले कवि कविता नहीं लिखणगे, सेरे भावें लिख देण। वो कवि की है जिहड़ा आज़ाद नहीं रह सकता। गरीबां दा कवि निआसरियां दा आसरा बनता है। वो न्योटियां दी ओट हो निबड़दा है। वो गुआचियां दा तंबू हुंदा है। कविता पुराणी तो पुराणी ते विज्ञान नवें तो नवां चंगा हुंदा है। कहंदे हन कवि गरीब हुंदे हन, इसे लिए वो शब्दां नूं सांभ सांभ वरतदे हन ते ज़बान नूं अमीर कर दिंदे हन। कवि कविता लिखण करके गरीब नहीं हुंदे, वो गरीब होण करके कविता लिखदे हन। जे वो अमीर हुंदे तां उन्हां कविता लिख नहीं सी सकणी। दिल्ली दी हवा विच गालिब घुलिया होया है। जिस यूनान दीयां गलियां विच होमर मंगतियां वांग विचरिया, उसे यूनान विच अज 7 शहर होमर दे नां ते वसे होए हन। अपना आप संभाली रखना ते कविता लिखणी संभव नहीं हुंदी। इसे करके महान ते तेजस्वी कवि दरवेशा वांग सब कुछ खुले बोलां नाल लुटा देंदे। कविता स्वर्ग विच मुड़ आउण दा सदा देंदी है। ਜਦੋਂ तक इनकलाबी कविता पैदा नहीं ਹੁੰਦੀ। भारत ਵਿੱਚ इनकलाब की आस करना व्यर्थ है। असी अपनियां मुश्किलां इस करके खिड़े मत्थे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े कोल नवी कविता की अमीरी नहीं है। कहंदे हन कुछ लिख जाओ जो आउण वालियां पीढ़ियां पढ़न, जां कुछ वो कर जाओ जिस बारे आउण वालियां पीढ़ियां लिखण। जिन्हां च आत्मा हुंदी है वो कविता च परमात्मा दे सहजे दर्शन दीदार कर सकते हैं। दुनिया के हर मुल्क ते धर्म च पूजा ते अरदास कविता विच ही कीती जांदी है। सुंदरता वो है जिहड़ी साडी अंदरली कविता नूं जगावे। कहा जाता है कि कविता लय विच ढली हुई सुंदरता हुंदी है। कविता का जीवन नाल संबंध उहो जिहा हुंदा है जिहो जिहा एतवार दा बाकी दिनां नाल हुंदा है। संसार उवें नहीं है जिवें मनुख नूं वेखणा हंडाउणा चाहुंदा है। कविता इस असंतुलन नूं दूर करदी है। दुनिया च दुख वध रहे हैं पर उन्हां नूं बर्दाश्त करन दी समर्था देण वाली कविता पैदा नहीं हो रही। कवियां दी थां कावां दी गिणती वध रही है। बहुतियां कवितावां हुण कां लिख रहे हैं। इन्हां दी कविता च एक दो लाइनां दी कविता हुंदी है, बाकी पलेथण हुंदा है। महान कवि वो हुंदा है जिहदी कविता दी हर लाइन अपने आप च एक कविता होवे। अजिही कविता ही सानूं फैलण ते उच्चे उठण दा हुनर सिखाउंदी है। कविता नालों नाता टुट जाण कारण ही अजोका मनुख खुशहाल होण दी थां भावक पक्षों दिनों दिन गरीब हुंदा जा रिहा है। साडी नबज़ तां चल रही है पर असीं मरे पए हां। साडे च जोश तां है पर उत्साह नहीं। कावां रौली च कविता गुआच गई है। आओ असीं रल के वारस शाह नूं लभण चलीए। रुस्से हुए बुल्ले शाह नूं मना लिआईए। नंदेड़ वाल टुर गए प्यारे गुरु गोबिंद सिंह नूं मोड़ लिआईए ते उन्हां नूं दसीए कि साडे विहड़ियां दीआं रौणकां रुस गईआं। असीं सुत्ते होए नसीबां वाले मत्थे चुकी फिरदे हां। साडे गले चों हुण गीत नहीं हौके निकलदे हन। साडे बुल्लां उत्ते सहम दीआं पेपड़ियां जम गईआं हन ते उन्हां नूं कहिए कि सानूं कविता दे कुछ बीज दिओ जिहड़े असीं अपने खेतां विहड़ियां ते कुक्खां च बीजीए ते जिउण जोगे बन जाइए। धन्नवाद।